हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन योर क्लास सेकेंड ऑफ ईवीएस। टेक आउट योर ईवीएस बुक, ओपन लेसन नंबर 9। यस, देयर इज लेसन नेम इज और फेस्टिवल। हाय गुंजन, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल? हाय गुंजन, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? हाय रोहित, माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है और मैं अपने घर को दिया और कैंडल से सजाते हैं। यस, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ पीपल विथ डिफरेंट रिलीजन। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। देयर आर मेनी फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया विथ ग्रेट फन एंड जॉय। इंडिया में बहुत सारे त्योहारों को बहुत आनंद और आनंद के साथ मनाया जाता है। डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स। अलग अलग धर्मों के अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। पीपल प्रे टू दियर गॉड एंड विजिट दियर प्लेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल। लोग अपने त्योहारों के दौरान अपने वर्शिप प्लेसेस पर जाते हैं जहाँ वो पूजा करते हैं और अपने गॉड से प्रे करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप के प्लेसेस कौन कौन से हैं? टेम्पल, चर्च, यस, गुरुद्वारा एंड मॉस्क्यू। यस, दशहरा फर्स्ट फेस्टिवल। यस, वी हैव टू रीड। दशहरा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। दशहरा अच्छाई पर, सॉरी, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत को मार्क करता है। और ऑन दिस डे लॉर्ड राम किल्ड रावण एंड सेव्ड हिज वाइफ सीता फ्रॉम हिम। और भगवान राम ने इस दिन रावण को मारकर अपनी वाइफ सीता को बचाया था। वी बर्न एफिगीज ऑफ रावण एंड हिज ब्रदर इन द प्ले ग्राउंड ऑन दशहरा। और हम दशहरे के मैदान में रावण और उसके भाइयों के पुतलों को जलाते हैं। दुर्गा पूजा, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग दशहरा। इसे पश्चिम बंगाल में दशहरा के दौरान सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल वर्शिप गॉडेस दुर्गा ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इस त्यौहार के दौरान लोग भगवती दुर्गा की पूजा करते हैं। दिवाली, दिवाली मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज होम अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स। दिवाली मार्क करता है कि भगवान राम जो है अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। पीपल डेकोरेट दियर हाउस विद दियाज एंड कैंडल्स। लोग इस दिन अपने घरों को दिए और कैंडल्स से सजाते हैं। वी ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट विद अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और हम हमारे जो गिफ्ट्स और स्वीट्स हैं वो हमारे रिश्तेदारों और मित्रों के साथ एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसे लाइट का फेस्टिवल भी कहा जाता है। से नो टू क्रैकर्स। क्रैकर्स से बिल्कुल नो। यस, क्रैकर्स को नो कह दो। सब चिल्ड्रन बर्न क्रैकर्स। कुछ बच्चे क्रैकर्स जलाते हैं। क्रैकर्स कॉज नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। क्रैकर्स की वजह से एयर और नॉइज पोल्यूशन होता है। इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। ये मनी का भी वेस्ट है। वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स। हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, पटाखे है ना। क्रिसमस, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th December एज जीसस क्राइस्ट बर्थडे। से जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में 25 December को मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट दिस डे विथ केक, कैंडल, चॉकलेट, स्वीट एंड गिफ्ट्स। हम इसे मनाते हैं केक, कैंडल्स, चॉकलेट और स्वीट्स और गिफ्ट्स के साथ। सेंटा ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन ऑन क्रिसमस। सेंटा क्रिसमस पर बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है। क्रिसमस ट्री इज डेकोरेटेड विद बेल्स, बलून्स एंड स्वीट। क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है बेल्स, बलून्स और स्वीट्स के साथ। पीपल गो टू चर्च। लोग चर्च में जाते हैं, सिंग कैरोल, वहाँ पे अपने गीत गाते हैं एंड लाइट कैंडल्स और कैंडल्स जलाते हैं। ईद, इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय अमॉन्ग अस मुस्लिम कम्युनिटी। ये बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है मुस्लिम समुदाय में। रमजान इज कंसिडर्ड एज द पीरियड ऑफ फास्ट। रमजान एक ऐसा मंथ होता है जिस मंथ में ये पूरे मंथ फास्ट करते हैं। इट लास्ट फॉर अ मंथ। और इस मंथ के लास्ट में एंड आफ्टर दिस, इसके बाद, दिस सेलिब्रेट, वो लोग ईद उल फितर मनाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज मीठी ईद, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है। दे इंजॉय सिवैयाँ ऑन दिस डे। इस दिन वो लोग सिवैयाँ खाते हैं। आफ्टर 2 months फ्रॉम दिस डे, इस दिन के 2 महीने बाद, ईद उल जुहा इज सेलिब्रेटेड विच इज़ पॉपुलरली नॉन एज बकरा ईद। ईद उल जुहा मनाया जाता है जिसे बकरा ईद कहा जाता है। गुरुपूरब, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में से मनाया जाता है। और गुरु नानक देव जी कौन है? फर्स्ट फाउंडर ऑफ गुरु ऑफ सिख।
इज सेलिब्रेटेड इज गुरुपुरब। ये सिख समुदाय के पहले गुरु हैं जिनके जन्मदिन को गुरुपुरब के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस अकेजन, इस अवसर पर पीपल ऑफ सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं लाइट लैम्प जलाते हैं, एक्सचेंज गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। ऑन दिस पायस डे, पवित्र दिन, प्रोसीजन आर टेक, जुलूस निकाले जाते हैं, लंगर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रसाद बांटा जाता है, लोहरी, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 13th of January, इसे हर साल 13th January को मनाया जाता है। इट इज़ फेस्टिवल टू वर्शिप फायर। इस फेस्टिवल पर फायर की पूजा की जाती है। लोहरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फनफेयर नॉर्थ इंडिया, और मोस्टली ये फेस्टिवल जो है नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। एट नाइट में पीपल गैदर अराउंड अ बॉनफायर एंड थ्रो तिल, रेवड़ी एंड पॉपकॉर्न इनटू द फ्लेम्स। लोग जो है, जैसे हम होली जलाते हैं तो फ्लैम्स की लोहरी भी इस तरह से जलाई जाती है, लकड़ियों को इकट्ठा करके और बॉनफायर बनाई जाती है, और उसकी फ्लैम्स के चारों तरफ लोग नाचते गाते हैं और उनमें तिल, रेवड़ी और पॉपकॉर्न को फेंकते हैं, उसमें डालते हैं बॉनफायर में। पीपल मैक मैरी, लोग इसके चारों तरफ घूमते हुए डांस करते हैं, अपने ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स गाते हैं और नाचते हैं। यस, आफ्टर दैट पोंगल इज फेस्टिवल ऑफ फार्मर्स इन साउथ इंडिया टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट सीजन। पोंगल साउथ इंडिया के किसानों का फेस्टिवल होता है जो कि उनके हार्वेस्ट सीजन में मनाया जाता है, जब फसलें कटती हैं। दे वर्शिप गॉड ऑफ सन, वो लोग भगवान सूर्य की, इंद्र की, और फार्म में जो एनिमल्स होते हैं इस दिन उसकी पूजा करते हैं। यस, नेशनल फेस्टिवल्स में है सबसे पहले रिपब्लिक डे, 26th January 1950 इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन द इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे इम्पॉर्टेंट डे है। ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स एंड इंडिया बिकेम रिपब्लिक, इंडिया का संविधान लागू किया गया और इंडिया रिपब्लिक बन गया। यस, संविधान क्या है, जिसमें सारे कानून और नियम लिखे गए हैं, ठीक है। तो उस दिन ये लागू करने से मतलब क्या है कि अब यहाँ के लोग, इंडिया के जो भी पर्सन हैं, इंडिया के पीपल हैं, सिटीजन हैं, उन सबको इन कानून और नियमों को मानना होगा अब से। तो वो 26th January 1950 से हुआ। आ रिपब्लिक डे परेड इज कंडक्टेड एट द रेड फोर्ट, और हर साल 26th January को रेड फोर्ट प्रोसीडिंग टूवर्ड्स विजय घाट, हर साल 26th January को रेड फोर्ट से लेकर विजय घाट तक एक परेड कंडक्ट की जाती है। चिल्ड्रन एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट इन द परेड एंड शो देयर कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज। अलग अलग राज्यों के जो स्टेट्स के जो लोग हैं, बच्चे हैं, इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं और उनके कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज को शो करते हैं। आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th August, इसे 15th August को मनाया जाता है। दिस डे मार्क्स आवर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और ये चिन्हित करता है कि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिश सरकार से। ऑन दिस डे आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द रेड फोर्ट, और इस दिन लाल किले पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग जो है, वो फहराया जाता है। किसके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, रेड फोर्ट पर। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे स्पेशली इन दिल्ली, और आज़ादी को मार्क करने के लिए, फ्रीडम को मार्क करने के लिए दिल्ली के जो लोग हैं, स्पेशली दिल्ली में ऐसा होता है कि काइट्स फ्लाई की जाती है। अपने गांधी जयंती, महात्मा गांधी इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन टू
सेकेंड अक्टूबर एंड वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे इज गांधी जयंती. उनका बॉर्न 2 अक्टूबर को हुआ था और इसीलिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं. चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th November. चिल्ड्रन डे को चिल्ड्रन डे जो है 14th November को मनाया जाता है. दिस इज़ द डे वेन पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न. और ये वो दिन है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बॉर्न हुआ था. वेन इज़ द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड. टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5th September. एंड रिमेंबर इट इज़ द बर्थडे ऑफ. ये किसका बर्थडे है? चिल्ड्रंस डे तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, लेकिन टीचर्स डे के दिन भी किसी महान पर्सन का बर्थडे होता है. और वो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. यस, विच विद द हेल्प ऑफ पिक्चर गिवन बिलो कंप्लीट द ब्लैंक्स. आपको पिक्चर्स को देखते हुए आपको फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं. सेलिब्रेटेड है जीसस क्राइस्ट बर्थडे. जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है तो क्रिसमस. फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा. फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली. यस, फेस्टिवल ऑफ फार्मर्स इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के किसानों का त्यौहार कौन सा है? पोंगल. वी सेलिब्रेट अवर फ्रीडम ऑन दिस डे. इस दिन हम हमारी फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं तो इंडिपेंडेंस डे. इट इज़ सेलिब्रेटेड एज महात्मा गांधी इज बर्थडे. महात्मा गांधी के बर्थडे के लिए हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती. यस, नाउ यू कैन सी देयर आर क्वेश्चन आंसर्स. राइट, 3 थिंग्स यू डू ऑन दिवाली. दिवाली पर क्या क्या करते हैं? लिट दिया, दिए जलाते हैं. एक्सचेंज गिफ्ट्स, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं. एक्सचेंज स्वीट्स, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं. देन टू ऑफ योर फेवरेट फेस्टिवल. आपके 2 फेवरेट फेस्टिवल के बारे में लिखो, दिवाली और होली. बच्चों को बहुत पसंद होता है. वेयर इज पोंगल सेलिब्रेटेड. पोंगल कहाँ मनाया जाता है? पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया. वॉट डू पीपल डू ऑन ईद? लोग ईद पे क्या करते हैं? ईद सिवैयाँ, सिवैयाँ खाते हैं. ग्रीट विथ ईच अदर और एक दूसरे से मिलते हैं. वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या महत्वपूर्ण है? इंडिपेंडेंस डे मार्क्स अवर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. इंडिपेंडेंस डे मार्क करता है कि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिश सरकार से. वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर हॉइस्ट अवर नेशनल फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराते हैं? द प्राइम मिनिस्टर हॉइस्ट अवर नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट. लाल किले पर फहराते हैं. डेट्स को आपको यहाँ राइट करना है. गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इंडिपेंडेंस डे 15th August, रिपब्लिक डे 26th January. और यस, आपको पिक्चर्स दी हुई है गॉड्स की, तो आपको उनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स को बताना है. ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा कब करते हैं? दिवाली पर. और गुरु नानक देव जी की गुरुपूरब, दुर्गा पूजा एंड क्रिसमस. यस यस, आपको कंप्लीट करना है वर्शिप प्लेसेस की स्पेलिंग को. टेम्पल TEMPLE, गुरुद्वारा ZURUGWARA, गुरुद्वारा. मुस्लिम वर्शिप ईयर मॉस्क MOSQUE. क्रिश्चियन वर्शिप ईयर चर्च CHURCH. ओके, वी हैव डन दिस चैप्टर. एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू कैन गेट हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. हैव अ नाइस डे. बाय.